अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ तुलबा तालबात, आप तमामी का फिर से इस्तकबाल है, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेशंस बिल्डर पे। आओ उर्दू सीखे। प्यारे बच्चों, आज का हमारा सबक है सबक नंबर 41, बो से कबल नून साकिन। बो से कबल नून साकिन, जिसे नून कतनी भी कहते हैं, नून कतनी भी कहते हैं। अगर हम गौर करेंगे तो इस लफ्ज़ अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है दुम्बा। क्या लिखा है? दुम्बा। यहाँ पर नून की आवाज़ नून नहीं निकल रही है, बल्कि नून की आवाज़ साकिन होकर वहाँ पर मीम की आवाज़ निकल रही है। कौन सी आवाज़ निकल रही है? मीम की आवाज़। जैसे हर इसमें जो है बो से पहले नून इस्तेमाल किया गया है, लेकिन उस नून को साकिन करके वहाँ पर मुँह की आवाज़ निकालना पड़ेगी। जैसे दुम्बा, अंबर, गुम्बद, गुनबद नहीं पढ़ेंगे, गुनबद इसको नहीं पढ़ेंगे, अनबर नहीं पढ़ेंगे। सुम्बुल, क्या लिखा है ये? सुम्बुल, सुनबुल नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि बो से पहले जो नून इस्तेमाल हुई है वो साकिन करके उसकी जगह मो को इस्तेमाल करते हैं, मो हर्फ को पढ़ा जाता है। अम्बार, अनबार नहीं पढ़ेंगे, अम्बार। अब नीचे कुछ मिसालें दी हुई है, अम्बिया, हम्बल, जुम्बिश, शंबा, तंबी, जंबील, कुंबा, अम्बवा, तंबूरा, इम्बेसात, मम्बा, मनबा नहीं पढ़ेंगे, मम्बा पढ़ेंगे, जनबूर नहीं पढ़ेंगे, जंबूर पढ़ेंगे, जुनो जम्बूरो जंबूर, तंबू, इस्तंबोल, इस्तंबात। क्या लिखा है? इस्तंबात। अब यहाँ पर जो बेसिक बो से कबल नू साकिन के लिए बहुत सारे यहाँ पर जुमले दिए हुए हैं, जिसमें इस तरह के लफ्ज़ का इस्तेमाल किया गया है ताकि हमारा जो है वो उसको पढ़ने की जो है हम मश्क कर सके, उसको हमको याद रखने की हम मश्क कर सके, उसको तहरीर की मश्क कर सके। यहाँ पर पहला जुमला दिया हुआ है, दुनिया में कमो बेश 1,24,000 अम्बियाए इकराम। तो ये अम्बिया जो है ये बो से कबल नून साकिन वाला लफ्ज़ है। तशरीफ़ लाए, कुरान मजीद तमाम उलूम का मंबा है, हिमालिया मुख्तलिफ नदियों का मंबा है, मस्जिद के मिंबर पर खुतबा पढ़ा जाता है। मिनबर नहीं पढ़ेंगे, मिंबर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? मिंबर। तुर्की का पुराना नाम इस्तंबोल है, इस्तनबोल नहीं पढ़ेंगे, इस्तंबोल पढ़ेंगे। गोल गुंबद में आवाज़ बार बार गूंजती है, गुंबद। मिंबर पर खिताब हो रहा है, मिंबर। बाग में चंबेली के फूल खिले हैं, चंबेली नहीं पढ़ेंगे, चंबेली पढ़ेंगे। अंबर एक बेहतरीन खुशबू है, अंबर। हमारे कुंबा में सब तालीम याफ्ता है, कुंबा, ख़ानदान। अम्बिया इकराम मासूम होते हैं। यहाँ पर मैं जिस लफ्ज़ पर लाइन का खींच रहा हूँ, लाइन मार रहा हूँ, जिसको कहेंगे हम जो है निशान लगा रहे हैं, तो वो इस टॉपिक और इस सबक के मुताल्लिक जो है यहाँ पर उसको इंडिकेशन किया गया है और निशान लगाया गया है। सनीचर को अरबी ज़बान में शंबा कहते हैं, शंबा। खाना बदोश तंबू लगा कर रहते हैं, तंबू। सुम्बुल एक खुशबूदार घास का नाम है, सुम्बुल। तंबूरा एक साज है। इम्बिसात के आलिम में गरीबों को मत भूलो, इम्बिसात। शरारत पर तंबीह की जाती है, दो शंबा के दिन हमारे नबी की विलादत हुई। अम्बा आम को कहते हैं, अम्बा जो है अम्बा आम को कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पर बहुत सारे नून साकिन के मुतालिक मालूमात हासिल की है और बहुत सारे जुमलों के ज़रिए से और अल्फाज के ज़रिए से इसको पढ़ा, उसको समझा। तमाम बच्चे अपनी अपनी बयास में इन तमाम अल्फाज को तहरीर करेंगे, इन तमाम जुमलों को तहरीर करेंगे, जिससे हमारी तहरीर भी खुशखत होगी और हमारी जो लिखने के साथ साथ पढ़ने की भी मश्क होगी। तो प्यारे बच्चों, सबक नंबर 41 हमारा यहीं पर ख़त्म होता है।
नई वीडियो के साथ में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।